नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। बंसीधर नगर प्रखंड के अंतर्गत कुशगढ़ पंचायत रवि रंजन कुमार ने कुशगढ़ व कोलुआ मध्य विद्यालय में बुधवार को छात्र छात्राओं के बीच पोशाक का वितरण किया। इस मौके पर मुखिया रवि रंजन कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं को सभी प्रकार का सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। मुखिया रवि रंजन कुमार ने कहा कि आप लोग प्रतिदिन स्कूल आए। उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़कर समाज में अपना नाम रोशन करें। अगर आप अपना नाम रोशन करते हैं तो आपके पंचायत का भी नाम रोशन होगा। 11/2017 को पंचायत के दो विद्यालयों में मेरे द्वारा ड्रेस का वितरण किया गया। कुशगढ़ विद्यालय में कुल 25 बच्चे बच्चियाँ को बीच में वितरण किया गया मेरे द्वारा, और कोल्हुआ मध्य विद्यालय में 31 बच्चे और बच्चियों को मेरे द्वारा ड्रेस का वितरण किया गया। इस अवसर पर पंचायत के कई वार्ड भी उपस्थित थे, अध्यक्ष जी थे, शिक्षक भी थे, और उस इसी क्रम में मेरे द्वारा आज ड्रेस वितरण में वैसे बच्चों और बच्चियों को जो पढ़ लिख करके अफसर बनना चाहते हैं उन्हें अपने स्तर से आवश्यकता के अनुकूल अनुसार कॉपी और कलम देने की बात कही गई, और पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करने को भी बच्चों के द्वारा मेरे द्वारा कहा गया। आग्रह किए हम, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे द्वारा सभी विद्यालय में बहुत जल्द हैंड वॉश मशीन हम लगाने की घोषणा किए हैं। बस यही मेरा कार्यक्रम है, और विद्यालय में कल से हम बांटेंगे, और विद्यालय में बटाना ही है। मुखिया रवि रंजन कुमार ने सभी छात्र छात्राओं को ससमय विद्यालय आने की अपील की। इस मौके पर कुशगढ़ अध्यक्ष शीला देवी, संयोजिका दुर्गावती देवी, शिक्षक जयशंकर प्रसाद, राकेश कुमार, चांद्रा देवी शिक्षिका कोल्हुआ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, चांद्रा देवी शिक्षिका कोल्हुआ के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, अनुज कुमार शिक्षक, संयोजिका संगीता कुंवर, वार्ड दौलतिया देवी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।